फैसला आया है, क्या सजा सुनाई? एक हमारे यहाँ गैंगस्टर चल रहा था थाना जीएनपुर का, जिसमें 11 अभियुक्त थे, 2 अभियुक्त मर गए थे और 9 अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण हुआ। 12 साक्षियों का परीक्षण कराया गया, उसमें मैक्सिमम साक्षी अभियोजन के पक्ष में अपना साक्ष्य दिए। वो जीटी नंबर 73/11 है और 9 साक्षियों को सश्रम कारावास, 10-10 साल का, 50,000 जुर्माना, ना अदा करने की स्थिति में 1-1 साल का सश्रम कारावास अतिरिक्त, और जेल में बिताई गई अवधि को अगर है किसी के पास तो समायोजित किया जाएगा। ये फैसला आया। कौन गैंग लीडर है इस गैंग का? इसमें गैंग लीडर ध्रुव सिंह है, ध्रुव सिंह पंटू सिंह, वो छपरा सुल्तानपुर के हैं, जीएनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले। और कौन कौन इसमें शामिल है? इसमें 9 अभियुक्त और शामिल रहे हैं, इनका नाम है क्रमशः इस प्रकार से है। ये ध्रुव सिंह और पंटू सिंह गैंग लीडर हैं, बलकिरण यादव और साधु यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिवप्रकाश उर्फ प्रकाश, मोहर सिंह, जोगेश सिंह उर्फ सोनू सिंह, राम नारायण सिंह उर्फ रिंकू सिंह, शिवेश सिंह, और 2 लोग मर गए हैं, अजीत सिंह और गिरधारी उर्फ कन्हैया उर्फ डॉक्टर। तो कितने लोग इसमें जेल में हैं, कितने लोग अभी इसमें? जेल में इसमें सिर्फ ध्रुव सिंह हैं, वो दूसरे अपराधी हैं, सब लोग बेल आउट थे। सारे लोगों को कल बुलाया गया था कोर्ट में, सब लोगों को जेल में भेजा गया। जो मामला था ये कब का मामला है? ये मामला 2010 का है और गैंग चार्ट में जो उनके पर आरोप पत्र आया है वो 2011 में आया। किस अपराध में गैंगस्टर लगाया गया था? अपराध गैंग चार्ट में है 152/10 सेक्शन 302, 307, 120B, 34 और IPC और 7CLA एक्ट जीएनपुर का है, 223/10 307 34 IPC जीएनपुर और 190/10 427 447 448 IPC 2/3 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम और 318/10 307 IPC बिलरियागंज का है और 241/10 25 आर्म सेक्ट का है जीएनपुर का है, 136/10 504/506 इत्यादि का। और इनके तमाम आपराधिक इतिहासों को 75 अपराधी इतिहास गैंग लीडर का था, संबंधित जितने अक्यूज थे सबका तो आपराधिक इतिहास था, आपराधिक इतिहास को देखते हुए और इनकी संपत्तियों का ब्यौरा जो डीएम के यहाँ से चला चल संपत्ति को जब्त किया गया है उसको देखते हुए 4-5 फाइलें चल रही थी, निर्णय सुनाया गया। चलो आप लोग बैठो, जो गाड़ी वाले हो बैठ सकते हो, गाड़ी वाले हो बैठ सकते हो।